नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। वीडियो देखने से पहले आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बाद में इस वीडियो का लुफ्त उठाइए। दोस्तों, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कुछ दिनों से आप अपने देश के बारे में बहुत कुछ गलत सुन रहे होंगे, और इसकी शुरुआत 2014 के इलेक्शन के बाद से हुई है कि देश में कुछ सही नहीं चल रहा है। देश में हर जगह लड़ाई हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, और एक नया वर्ड सुनने में आया, वो था इंटॉलरेंस का, मतलब कि लोगों को अपने देश में रहने से डर लग रहा है। तो जिन्हें डर लग रहा है वो अभी इस वीडियो को बंद कर दे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं इंडिया के बारे में, जिसे सुनकर आपको भी प्राउड फीलिंग आएगी, और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसे उन लोगों को भी पता चल जाए जो देश के बारे में गलत बोल रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से। इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया 5वें नंबर पे है, जो कि अभी यूके को पीछे छोड़ी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, और तीसरे नंबर पे है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। इंडिया 2015 से अभी तक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन होने के बावजूद, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कहना है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है स्टार्टअप हब के मुकाबले में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया 23 पोजीशन की जंप लेके 40 रैंक पर आ गया है, और चाइना इस समय 27 पे है। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड रैंक पे है। मोटर व्हीकल प्रोडक्शन में इंडिया ने साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा है और 5th प्लेस पे आ गया है। नंबर ऑफ बिलियनेयर्स में इंडिया तीसरे पोजीशन पे आता है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आर्मी है, और वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इंडिया की है, और फिर भी लोगों को यहाँ पे रहने से डर लग रहा है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि मेक इन इंडिया से डीआरडीओ ने सिर्फ 2 साल में 6 एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल बनाई है, जिससे पूरे 1,00,000 करोड़ की बचत हुई है, और ये पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। इंडिया 3rd पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 3rd है। सोलर मार्केट में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है 113 गीगावाट इंस्टॉलेशन के साथ। इंडिया ने फरवरी में 20 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन अचीव्ड किया है, और ये टारगेट इंडिया का 2022 तक का था, और इंडिया ने इसे 4 साल पहले ही अचीव कर लिया। अब 2022 तक का इंडिया का प्लान 100 गीगावाट तक अचीव करने का है। ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें तो इंडिया ने 2018 में 12 स्पॉट का जंप लिया है, और अब उसकी रैंक 40 है, 40। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप 10 आईटी कंपनी में इंडिया की 4 कंपनी है, जिसमें नाम है टाटा, विप्रो, एससीएल और इंफोसिस। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो ने दुनिया में इंडिया को बहुत प्राउड फील कराया है, जैसे कि मिशन मंगलयान। इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंचा, और यही नहीं, सबसे लो कॉस्ट बजट में, सिर्फ 450 करोड़ में। इसरो ने 2017 में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का। एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया इंग्लिश बोलने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि इंडिया के पास खुद की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया की लिटरेसी रेट की बात करें तो 2015 में ये 71% पे थी, और 2018 में अब ये 75% हो गई है। पर क्या आपको पता है दुनिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में इंडिया के 3 एग्जाम्स आते हैं, जिसमें पहला है गेट, दूसरा आईआईटी जेई, और तीसरा है यूपीएससी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जिसे आप सबको अपने देश के लिए प्राउड फील होगा। ऐसे और फैक्ट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस जाने से पहले एक चीज कहूंगा कि हमारा इंडिया इनक्रेडिबल था, है और रहेगा। जय हिंद।